मिनसुक उसी जगह में जाता है देखने के लिए। देखता है वहाँ से आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब वो एक डेड एंड है। और उस दिन उसने देखा था कि येरिन यहीं पे ही आई थी, मतलब येरिन ही वो आंटी है। तो वो ये सब सोच ही रहा था तभी एक दरवाजा को खोल के एक आदमी वहाँ पे कूड़ा फेंकने के लिए आता है। ये देख के मिनसुक कहता है क्या यहाँ पे दरवाजा भी है। फिर वो आदमी उसे उस दरवाजा से लेके जाता है। दरवाजे के उस पार तो एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है और वहाँ पे वॉशरूम भी है। और सोचता है जरूर उस दिन येरिन वॉशरूम यूज करने के लिए आई थी और मैं उस पर खामखा सक कर बैठा। तो वो सोचता है जरूर उस दिन वो आंटी कुछ परेशानी में थी और वो हेल्प करने के लिए आई थी, लेकिन एक पागल औरत की वजह से वो डर के वहाँ से भाग जाती है। और उसी टाइम उसकी हेयर क्लिप गिर गई होगी जो कि उस आंटी ने उठा ली। और वो आंटी इवेंट में उसे लौटाने के लिए आई थी, मतलब वो आंटी कितनी अच्छी है। और मैं ना जाने उनके बारे में क्या क्या सोच रहा था। और ये सोचते हुए वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके हिसाब से येरिन कोई आंटी नहीं है। इधर से यही तो सोचता है कि मिंजी को जहाँ चोट लगी थी वही सेम जगह में येरिन को भी चोट लगी है, पर इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। और कहता है लगता है मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। मुझे अभी खुली हवा में जाना होगा। इधर हान सभी मॉडल को कहती है फैशन वीक कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है, सबसे ज्यादा जिन लोगों का मार्क वही जाएगा। येरिन देखती है उसका रैंक तो सबसे लास्ट है। तो हान येरिन को अलग ले जाके कहती है तुम तो मॉडल बनने से पहले ही बहुत फेमस हो गई हो, तुम्हारे लिए बहुत सारे सीरियल की ऑफर आ रहा है, तुम उस फिल्म में क्यों नहीं चली जाती। वैसे भी तुम्हारा रैंक सबसे लास्ट है, तुम फैशन वीक में हिस्सा नहीं ले पाओगी। येरिन कहती है आपने कहा था ना कि मेरे पास और एक मौका है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी ताकि मैं फैशन वीक में जा सकूं। हान कहती है तुम्हारे लिए मॉडल बनना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। येरिन कहती है मैं सियोइदो के बनाए हुए कपड़ा पहन के रैंप वॉक करना चाहती हूँ। हान कहती है सियोइदो का कपड़ा क्यों। येरिन कहती है मैं जब उनके बनाए हुए कपड़ा पहनती मुझे अपने आप पूरा होने का एहसास होता है। मैं वादा करती हूँ फैशन वीक खत्म होने के बाद मैं चुपचाप सबके जिंदगी से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। और हान को ये सुन के अच्छी लगती है। उसके बाद वो सियोइदो के पास जाती है और उससे कहती है ताकि वो इवेंट में पहनने के लिए उसके लिए एक आउटफिट चूज कर दे। लेकिन सियोइदो को तो हान पर कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लगता। लास्ट में वो उसके लिए एक सिंपल सा ड्रेस निकालता है। हान कहती है ये कपड़ा देख के मुझे हमारे डेट के दिन याद आ गए, तब मैं कितनी खुश हुआ करती थी। सियोइदो कहता है क्या सच में। बिल्कुल नहीं, ना तुम उस दिन खुश थी ना आज हो। हम लोगों के रिलेशन बस एक गलती थी और ये गलती दोबारा मत दोहराना। और फिर वो वैसे चला जाता है। हान को तो ये सुन के बहुत दुख होता है, इसलिए वो बार में शराब पीने के लिए जाती है। वहाँ पे वो सियोइदो को कहती है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है और ये वो पूरी जिंदगी अच्छे से निभाएगी। सियोइदो कहता है तुम किसी और को ढूंढो जो तुमसे प्यार करता हो, तुम जरूर एक अच्छी बीवी बनोगी पर मेरी नहीं। मैं उस इंसान के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। हान कहती है क्या वो येरिन है। सियोइदो कहता है नहीं, वो मेरा पहला प्यार है जो कि वापस आ गई है। हान कहती है मतलब येरिन की हालत भी मेरी जैसी होगी। इधर घर में येरिन अकेली थी इसलिए वो एक छोटा सा कपड़ा पहन के घूम रही थी, तभी वहाँ पे सियोइदो आ जाता है और उसे इस हालत में देख के कुछ वक्त के लिए उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन जब वो रूम में अकेला होता है वो फिर से वही कपड़ों में येरिन को सोचने लगता है और सोचते सोचते उसकी एक ड्रॉइंग भी कर लेता है। उसे लगता है कि वो एक साथ दोनों लड़की को ही पसंद करने लग गया। नेक्स्ट डे उसकी मम्मी उससे मिलने के लिए आती है और ये सारी भड़ास वो उन पर ही निकाल देता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरे दिल में ऐसे हवस भर गया है, मैं एक साथ दोनों लड़की को ही पसंद करने लग गया हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है ये अच्छी बात नहीं है, पर इसके लिए तुम मुझ पर क्यों उंगली उठा रहे हो, मैं तो पूरी जिंदगी बस एक ही इंसान से प्यार किया। सियोइदो कहता है किससे। मिनसुक के पापा से ना। अगर आपको मेरे पापा से प्यार ही नहीं था आपने उनसे शादी क्यों की, इसलिए आपने मेरी जिम्मेदारी भी नहीं ली। आप तो माँ कहने के लायक ही नहीं है। और उस पर गुस्सा करते हुए वह से चला जाता है। इधर रास्ते में मिनसुक को कुछ फैन मिल जाते हैं जिसमें सुयंग भी थी। तो वो कहती है मिनसुक येरिन को डेट मत करना क्योंकि वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। मिनसुक कहता है तुम्हें कैसे पता। तो वो उस दिन की सारी बातें बता देती है, लेकिन उसका मैनेजर सुयंग को चुप करा देता है और मिनसुक को गाड़ी के अंदर लेके जाता है। इधर पार्क को पता चलता है कि सियोइदो मिनजी को ढूंढने के लिए एक डिटेक्टिव हायर किया है, इसलिए पार्क उससे कहता है कि तुम ये काम छोड़ दो क्योंकि उसे तो पता है कि मिनजी कौन है, इसलिए मिनजी ही मतलब येरिन से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि सियोइदो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। येरिन कहती है असल में वो अपने पहले प्यार को ढूंढ रहा है और वो लड़की मैं ही हूँ, मतलब मिनजी ही। बचपन में मैंने उनको एक बार बचाई थी पर मैं तो वो बात भूल ही गई थी, पर उनको सब याद है। पार ये सुन के कहता है मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, किस्मत ऐसा खेल कैसे खेल सकता है। वो जिस पहले प्यार को ढूंढ रहा है
वो तुम हो। वैसे अब तुम क्या करोगी? येरिन कहती है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पार कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। वैसे भी परफ्यूम का राज एक ना एक दिन उनके सामने तो आ ही जाएगा, उससे अच्छा तुम ही उसे सब कुछ बता दो। इधर घर में सियोई तो देखता है कि उसे मिन जेही ने मैसेज की। पहले तो ये देख के वो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, और फिर वो उस मैसेज को खोल के देखता है जिसमें मिन जेही उसे मिलने के लिए बुलाती है, और ये पढ़ के उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और वो मिन जेही से मिलने के लिए बहुत सारा कपड़ा ट्राई करता है, लेकिन उसे अपने ऊपर एक भी अच्छा नहीं लगता। लास्ट तक वो इस कपड़े को फाइनल करता है और इसे पहन के जाता है। वहाँ पे वो बेसब्री से उसकी इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद मिन जेही वहाँ पे आती है, तो वो उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाता है और अपने बड़ाई करने लगता है। उसका फैशन ब्रांड कहाँ कहाँ काम करता है, उसने क्या क्या अचीव किया है। मिन जेही कहती है मुझे लगता है तुम यहाँ पे अपने बड़ाई करने के लिए आए हो। सियोई तो कहते हैं मैं बड़ाई क्यों करूंगा, मैं तो हूँ ही बड़ा इंसान। फिर वो अपने हाइट वेट सब कुछ कहने लगता है, जैसे वो मिन जेही के सामने अपने बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो मिन जेही ये सब देख के कहती है कि मैंने बचपन में तुम्हारी जान बचाई थी, पर मैं तो वो बात भूल ही चुकी थी। वैसे भी बुरे यादें कौन ही याद रखना चाहेगा। सियोई तो कहते हैं तुमने सही कहा, मेरे लिए भी वो दो दिन अच्छे नहीं थे, और उस हादसे की वजह से मुझे बहुत सारे फोबिया और एलर्जी है। लेकिन हाल ही में मैं एक इंसान से मिला हूँ जो कि मुझे नॉर्मल जिंदगी जीने की हिम्मत देती है, और वो है येरिन। वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। ये सब सुन के मिन जेही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर सियोई तो कहता है ना मैं तुम्हें कभी भूल सका ना कभी भूल पाऊंगा। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा आंसू, तुम्हारा कल, मैं सबको अपना समझ के गले लगा लूंगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारा जो जगह है वो मैं किसी को कभी नहीं दे पाऊंगा। मेरी जिंदगी तुम्हारे नाम है। मिन जेही तुम्हारा आज, तुम्हारा कल और आने वाला कल, मैं सबको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम हमेशा मेरा पहला प्यार हो। मिन जेही अपने मन में सोचती है तुम अपना प्यार का इजहार मुझसे कर रहे हो, येरिन से नहीं, मिन जेही से कर रहे हो। सियोई दो घुटनों के बल बैठ के उसे प्रपोज करता है। मिन जेही कहती है सियोई दो मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, आज तक मुझसे प्यार का इजहार किसी ने इस तरह से नहीं कहा, क्या तुम मुझे गले लगाओगे? सियोई तो उसे गले लगाता है, लेकिन मिन जेही उसे इतनी जोर से पकड़ती है कि वो हुआ भी बेहोश हो जाता है। इधर तैजुन को वो फुटेज मिल जाता है और वो सियोर हो जाता है कि मिन जेही येरिन है।